हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आपने अलका को बताया था क्या कि बैनर बनवाना है? सबको बताया गया? हमें तो नहीं बताया था सर। मैंने कल मैसेज की थी, डाला था उसमें सीएससी ऑफिशियल ग्रुप में, तो आपने कहा कि जब मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा बैनर। हाँ, जब तक नहीं आ रहा तब तक तुम लोग बनवाना हो बनवा लो। नहीं तो कल तो मैंने टाइप कराया था ना, टाइप करके हमने मैसेज डाला था, तो आपने कहा मैं आप लोगों को दे दूंगा जब आएगा मेरे पास। तो ये तो कर देना चाहिए ना। हाँ, ये बैनर बनवा लो, अभी चाहिए तो बनवा लो, जब आएगा दे दूंगा। नहीं तो आपने जब वो डाला था पीडीएफ, तो आप उसको कह रहे थे बैनर आप लोग बनवा लीजिए। जो समझदार लोग हैं वो बनवा लिए। अच्छा, मतलब हम लोग बेवकूफ हैं? मैं मतलब आपके कहने का मतलब यही है ना सर, जो समझदार लोग हैं उन्होंने बनवा लिया, जो बेवकूफ है उन्होंने नहीं बनवाया। तुम्हारे ऊपर, तुम अपने आप को क्या सोचती हो? तुम्हारी नहीं, सोचने की बात नहीं, आप तो बेवकूफ और साइकेट्रिक बनाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, 1.5 साल से आप यही कर रहे हैं। सोचना हो सोचो, ठीक है? तो मैं जो सोचना, सोचना नहीं सर, जो रियलिटी है मैं वो बता रही हूँ। एज अधीक्षक मेरे पास सप्लाई आएगी तो मैं दूंगा तुम्हें, बाकी लेकिन जानकारी तो देंगे ना आप। सप्लाई होगी, जानकारी तो देंगे कि जानकारी से भी वंचित रखेंगे। सीएचओ के दो ग्रुप बना रखे हैं आपने, एक अलग बना है ग्रुप जिसमें हम और रेनू नहीं ऐड हैं। हाँ, वो उनका पर्सनल ग्रुप है, सीएचओ का पर्सनल ग्रुप है। क्या हम उस ग्रुप में नहीं ऐड हो सकते? वो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें रखना चाहे रखे ना रखे, नहीं तो चला देना। अरे वो तो उसमें आप नहीं है क्या? उसमें आप नहीं, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मतलब पर्सनल ग्रुप में मैं क्यों रहूंगा? तुम्हारी, तुम्हें सीएचओ नहीं रखना चाहते, उनसे जाओ बात करो। रखना क्या चाहेंगे भाई, जब यहाँ इलीगल अधीक्षक इतना गलत करता है कि जो गलत है साल साल भर की मैटरनिटी लीव देता है, मतलब कोई इस तरीके की अधीक्षकी करता है क्या? दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, कोई इस टाइप की अधीक्षकी करता है कि किसी को एक साल की मैटरनिटी लीव दे? हाँ, ऋचा भाटी की हम जान सकते हैं मैटरनिटी लीव कब की है? किसी की 10 दिन की सैलरी कटवा दे, ये अधीक्षकी है सर? नहीं, आप रिकॉर्डिंग करिए, आप जहाँ सुनाना हो वहाँ सुनाइए। मधु मिश्रा जो इतने साल से लापता है, उनके आपने इंसेंटिव निकलवा दिया। ठीक, कोई नियम कानून है कि नहीं है? नियम कानून हमें मालूम है, नहीं तो हमको जानकारी से वंचित ना रखिए। नहीं तो मैं, आप कह दीजिए कि एएनएम तुम्हें रिकॉर्ड नहीं देगी, आप कह दीजिए कि एएनएम तुम्हें रिकॉर्ड नहीं देगी। आप एएनएम से इतना मुझे परेशान करा दिया। तुम्हें क्या लगता है एएनएम तुम्हारे लिए पोस्ट है क्या? तुम अपना काम खुद करो ना सर। एएनएम हमारी गाइडलाइन में है, एएनएम रिकॉर्ड देगी, एएनएम हमें एएनसी का रिकॉर्ड देगी। टीकाकरण हम नहीं करते हैं सर, हमें भी दिखा दो गाइडलाइन। एएनएम रिकॉर्ड करती है, हम दिखा देंगे आपको गाइडलाइन, हम दिखा देंगे आपको गाइडलाइन। ठीक ठीक है, और दिखा देना कि एएनएम के इंसेंटिव के हिसाब से। ठीक, हम दिखा देंगे एएनसी का रिकॉर्ड, हमें एएनएम देंगे। टीकाकरण हम करते हैं क्या? अच्छा नहीं, आप बताइए, टीकाकरण हम करते हैं? टीकाकरण की तुम्हें रिकॉर्ड बनाना है क्या? नहीं, टीकाकरण का आपने मेरा उसमें लिखा इंसेंटिव में, आपने लिखा कि डेटा मैच नहीं कर रहा है। करती हो आपने? अरे सुपरविजन जब वो अभद्रता करती है क्षेत्र में, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि एएनएम लड़ती है, अभद्रता करती है, आपने कभी कुछ कहा उसको? वो सीएचओ से कहती मेरी अधिकारी मत बनो। एएनएम तो लिख के दी हुई है मुझे तुम्हारे खिलाफ, क्या लिख के दी है? अभद्रता की हो उसके साथ, आपको दे रही है क्या? बयान दे रही है मेरी आशा, मेरे सामने कोई आके बयान दे रही कि मैंने अभद्रता की, उसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं सुनी जब सबसे 25-25 हजार रुपए लेती? अरे सर, आपका काम है ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है? आप अपने पे आ जाए तो किसी लड़की को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आप मेरे नाम से झूठी नोटिस जारी कर सकते हैं, तुमने गाली गलौज की, गाली तो आप देते हैं कैंपस में, हाँ? लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ नीलम ने स्टैंड लिया कि एक अधीक्षक की चूतिया साला की गाली बंद करवाई मैंने। अच्छा? ठीक है, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैंने ऐसी गाली दी, सुनी सुनी हो। अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करता हूँ, मेरा पर्सनल बिहेवियर कैसा है? दोस्तों नहीं, हमारे सामने आपने बोला है, हमारे सामने आपने बोला है, बालक राम ने बोला है। बालक राम से हम कैसे बात करते हैं? बालक राम ने किसी लड़की के साथ आप नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी लड़की के सामने आप बालक राम को कंप्लेन नहीं किया? या बालक राम कभी कंप्लेन करे? करेंगे भी नहीं, कौन कंप्लेन करेगा भाई जिसको यहाँ अधिकारी के अंदर। हाँ, तुम्हें तुम्हें बड़ी है क्या है? बालक राम को कब दिया? बालक राम खुद कंप्लेन नहीं कर रहा है, तुम्हें आकाशवाणी हुई थी, इंटरनेट का वाउचर आपने बदल दिया, लेकिन बालक राम की हिम्मत नहीं है कि कहते हैं कि अधीक्षक साहब बदलवाए हैं, हमारी क्या औकात है कि हम इंटरनेट का पेमेंट रोक दें? बालक राम खुद कहते हैं, बालक राम ने खुद मुझसे फोन करके कहा था कि हमारे ऊपर है। नहीं, गलत काम करवाओगी? आप गलत करते हैं, मैं क्या करवाऊंगी? फर्जी आप करते हैं, आपने मधु मिश्रा का फर्जी पेमेंट नहीं निकाला है? हाँ? जो किया हो मुझे अपनी सीट अच्छे से मालूम है कि आपने फर्जी पर उसकी सैलरी नहीं निकाल रहे हैं, उसकी एक एक चीज निकलवा लो, हम देंगे। अभी मधु मिश्रा की रिकवरी होगी, ठीक है, और आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी।
ठीक है, आप इसी चीज पे लगे हुए हैं कि नीलम अभद्रता करे। आप कहते हैं थाना अध्यक्ष की इन्होंने मुझे धमकी दी। हाँ, धमकी दी मैंने आपको, धमकी दी थाना अध्यक्ष। आप तो किसे शुक्र है सर कि आप लड़के हैं, अगर आप लड़की होते तो ना जाने क्या क्या झूठे आरोप लगा देते। ठीक है, अच्छा आपको लड़का बनाया, तुम लड़की होने का पूरा फायदा उठा रही हो। मैंने क्या फायदा उठाया? मैंने कोई फायदा उठाया? मैंने कोई फायदा उठाया? कर रही हो क्या फायदा नहीं उठा रही हो? क्या फायदा उठा? अगर फायदा तुम सीएचओ हो, तुम्हें अपनी अपने काम तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अधीक्षक के काम देखती हो। आपने कभी बताया मुझे क्या काम? मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा काम क्या है। बिल्कुल बताएंगे भाई, तुम्हें तुम्हारा काम नहीं मालूम है? चुपचाप से मीटिंग करा लेते हैं, इतनी जानकारी से वंचित रखते हैं। दो दिन का रोस्टर बनाते हैं स्मृति शुक्ला की औकात की वो ग्रुप में झूठी गवाही दिलाए। वाह, स्मृति शुक्ला की औकात की झूठी गवाही दिलाए। देने वाले बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, उनको पैसे का लालच है, इंसेंटिव का लालच। आप कहते हैं दोस्ती करो, आप कहते हैं कि नीलम से बात मत करना। तुम्हारे पास तुम्हें इंसेंटिव नहीं चाहिए, काम करो इंसेंटिव लो। आप काम देते, आप काम के लिए इंसेंटिव नहीं देते हैं। तुमने काम दिखाओ, काम दिखा रही हूँ आपको। काम दिखाया कोविड में, तब भी आपने 10,000 कटवा लिए क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले थे ना। आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया? हाँ, वसूली करती है आसान से। मैंने तो आपको पूरा एविडेंस दिया, उसकी आवाज में दिया। अब मैं आपसे बहसबाजी नहीं कर सकती। वसूली नहीं की है, वसूली की है क्या है? कैरियर का कैसा पैसा लेती है? अब नहीं मांग रही है वो पैसा, उसकी इच्छा। अब यदि वो किसी से काम करा रही है उसके वजह में उसको पैसे दे रही है, वो अपने घर का काम करा रही है, पैसा ले रही है, पैसा ले रही है, उसको लेना देना नहीं। तो पैसा ले रही है, दे नहीं रही है, ले रही है सर, ले रही है पैसा। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें 100 बार मैंने समझा दिया है, मुझसे आके मेरे ऑफिस में बात करना, फोन ऑफिस में क्या बात करूं? ऑफिस में कोई मतलब नहीं, ऑफिस में कोई मतलब नहीं बात करने का। अपने ऑफिस में आओ, एचईओ साहब करो, तुम भी वसूली करो। नीलम जी को कहते हैं तुम मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराओ। अरे आप लोग अपना इलाज करा के देखिए, मेंटल हॉस्पिटल में जरूरत आप लोगों को। मैंने एक बार आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। जो काम हुआ करे ऑफिस में मिलना। ऑफिस में कुछ मिलने का मतलब नहीं है, एचईओ अपने स्टाफ को समझा दीजिए। हाँ। मुझे ऐसा है अधीक्षक साहब, इलीगल काम नहीं करिएगा। आपको बता दें, फोन नहीं करना मुझे। इक्वल रखिएगा सबके लिए, रूल्स इक्वल, फोन ना करना मुझे। इक्वल रखिएगा अधीक्षक साहब, ठीक है? वरना जो उससे बदतर हाल होगा आपका, ठीक है? अच्छा, आप कभी कानून में मत फंसिएगा, नियम कानून सबके लिए इक्वल रखिएगा। मधुमिश्रा की रिकवरी होगी, मधुमिश्रा की रिकवरी होगी, आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी। अच्छा, आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी। आप इस तरीके से मनमानी पैसा लिखाएंगे? क्या आपका घर है कैंपस? ये किसी लड़की का बिना उसका तनख्वाह कटवा देंगे और किसी का निकलवाएंगे? अच्छा ठीक, 10-1 साल की छुट्टी देते हैं आप किसी को, क्या गाइडलाइन तब नहीं देखते हैं? गाइडलाइन बड़े अच्छे से देखा हूँ मैं, गाइडलाइन बड़े अच्छे से देखा हूँ मैं। इसीलिए लोगों को भड़काते नहीं लगा की नहीं है। मुझे ऑफिस टाइम के बाद फोन करना बंद कर दो। अरे आपको क्या ऑफिस टाइम के बाद? जो लड़कियां फालतू की बकवास करती हैं वो ऑफिस के टाइम रात के 12-12 बजे पर फोन करके आप रिसीव करते हैं, लेकिन खैर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करें आप। चलिए, मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है सर, क्यों फोन करती हो मुझे? क्यों फोन करती हो? मैंने तो उसके पहले भी मना किया ना, मुझे फोन मत किया करो। इसलिए पूछा बैनर के लिए, ठीक है? मैं फालतू फोन नहीं किया करती हूं। फोन जानकारी दीजिए, जानकारी से वंचित नहीं रखिए। आपको एक बात बता दें, नोडल बीसीपीएम है, बीसीपीएम से बात किया करो। नोडल है, ठीक है, बीसीपीएम से बात करती हूं। बीसीपीएम बोले कि वो बनवाई है बैनर। जिससे बात करना हो बीसीपीएम से बात किया करो, मुझे फोन ना किया करो। बिल्कुल, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जानकारी दे दिया करिए पूरा, ठीक है? जानकारी से वंचित ना रखा करिए। बीसीपीएम से बात किया करो, नोडल है, अधीक्षक काम ये सब नहीं है। अरे ठीक, रखिए।